चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, लिखिए। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट 90 डिग्री। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट 90 डिग्री। अच्छा, किसको रेक्टेंगल बनने की मिनिमम कंडीशन याद है? अच्छा, जिसको नहीं पता, वैसे तो पता होगा सबको, लेकिन अगर नहीं पता किसी को हाल भूल चुक से, तो मैं बता देता हूं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सारी सारी मेल खाती है किससे? पैरेललोग्राम से। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एग्जैक्टली, वो सारी प्रॉपर्टी कॉपी करके कौन बैठा रहता है? रेक्टेंगल। लेकिन क्योंकि उसको पैरेललोग्राम से थोड़ा अलग भी दिखना है, तो वो एक चीज और कर देता है, क्या? कि वो अपने एक कोने पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पर मेरे को पक्का होता है कि यार, एक बच्चा ऐसे बोलेगा, भैया सारे कोने पर 90, एक नहीं सारे कोने। देखो, सारे कोने पर 90 होता है, लेकिन यार एक कोने पर 90 डिग्री प्रूफ करना जरूरी होता है। यहां तक क्लियर? एक कोने पर जो 90 डिग्री होता है ना, ध्यान समझिएगा, ये चीज है। एक होती है थ्योरम, एक होती है ऑक्सियम। यहां तक क्लियर है? मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस समझाया था तुमको कि ऑक्सियम क्या होती है। ऑक्सियम होती है एक स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है? जिसको बिना किसी सवाल के आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी आती है। क्या इसको प्रूफ करने के लिए तुमको कहते हैं सूरज की रोशनी को प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? सूरज की रोशनी नहीं करना पड़ेगा कुछ भी भाई। सूरज की रोशनी भाई एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह का। यहां तक क्लियर कि नहीं है? उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो थ्योरम्स होती है उसमें क्या करना पड़ता है आपको? उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है। सही में है कि नहीं है? जो बातें आप बोलते हो, जब आप उसको प्रूफ करना चाहते हो, उसे हम लोग क्या बुला देते हैं? थ्योरम्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जैसे कि भैया देखो, इस बार क्या कहता है, मैं पक्का 10 में से 10 लेकर के आऊंगी। ये स्टेटमेंट है। अगर आपके 10 में से 10 आ गए, तो भैया ये क्या हो जाएगा? उस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है कि भैया मेरा 10 में से 10 आएंगे, ये तो पक्की बात, ऐसा तो नहीं होता ना। तो दो तरह की स्टेटमेंट होती है, एक होती है ऑक्सियम, एक होती है तुम्हारी थ्योरम। ऑक्सियम यही क्या, एक रेक्टेंगल का सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉपीड होती है किससे? पैरेललोग्राम से। इसकी सारी खूबी इस पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल के अंदर होती है। प्लस इसके अंदर एक और चीज होती है, वो है ये कि इसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये होती है इस रेक्टेंगल की ऑक्सियम। समझ में आए कि नहीं आया? थ्योरम बताया क्या होती है? थ्योरम होती है ये कि इसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सियम एक इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और थ्योरम क्या है? इसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको जो मैंने क्वेश्चन दिया, वो पता है क्या है? प्रूफ करिए किसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? एक तो हमको पता है, होता ही है, आप प्रूफ करिए इसका सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे। समझ में मैंने क्वेश्चन क्या बोला? तो ठीक है, मैक्सिमम बच्चे गैस कर पाएंगे कि इसमें गिवन क्या लिखा होगा और टू प्रूफ क्या करना है। ठीक है ना? तो ये रहा आपके सामने एक बहुत ही बेसिक शेप का एक रेक्टेंगल। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रायंगल। ओ ट्रायंगल ए बी, स्क्वायर कहां लग रहा है यार? स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। देखिए, गिवन लिखो, गिवन ये लिखूंगा गिवन में, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये बात गिवन है यार हमको? ठीक है, तो इतनी सी ही बात गिवन है। अब हमको प्रूफ करना है ये, टू प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? कि इसका हर कोना 90 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सब के सब किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। क्या इसको प्रूफ करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में इसको प्रूफ किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? देखो, हमको बेसिक पता है कि यार, एक रेक्टेंगल का एक एंगल तो 90 होता ही है। ठीक है ना? वी नो दैट वन एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, वी नो दैट वन एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट 90 डिग्री, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? राइट एंगल। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसका एक एंगल 90 पे होता है। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कितने बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी याद है। पैरेललोग्राम के एंगल को लेकर के दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है कि उसके दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दो जोड़ी अपोजिट एंगल बराबर होने का मतलब क्या? ए का अपोजिट सी बराबर होगा, बी का अपोजिट बी बराबर होगा। ये एंगल को लेकर के पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यार, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर आता है? 90 डिग्री के। ओ हाँ, एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर आता है। कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को। देखो,
एक पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर आता है 180। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? पड़ोसी। जैसे ए का पड़ोसी बी और ए का पड़ोसी डी, तंते का पड़ोसी माननी, तंते का पड़ोसी सृष्टि साक्षी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और तमता बहुत बेकार पड़ोसन। इधर देखो तेरी बेस्ती होगी जब तक तू अकेली नहीं बैठेगी, जब तक तू अकेली नहीं बैठेगी। इधर देखो, ओए सुनो, समझ में आया तक का? तो ये है एंगल ए, ये है इसके दोनों अपोजिट एंगल्स, और ये है ये है इसके दोनों एडजेसेंट एंगल, और ये क्या है इसके अपोजिट एंगल। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? ठीक है। अपोजिट एंगल में क्या रिलेशन होता है? बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल में क्या रिलेशन होता है? उनका सम 180 आता है। बोलने का मतलब या तो ए और डी को जोड़ के 180, या तो ए और बी को जोड़ के 180। सबको समझ में आया था क्या हुआ? अब प्रूफ करना कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया तो ऐसे होगा, ए का अपोजिट सी होता है तो ए 90 तो सी 90, 290 प्रूफ कर दिए, बाकी 290 करने। देखो ऐसे होंगे, इन दोनों का सम 180 के बराबर आता है। इन दोनों का सम किसके बराबर आता है? 180 के। अगर 180 में से ये भाई साहब 90 लेके बैठ चुके हैं तो बाकी का बचा इसके पास होगा, तो 180 में से बाकी का बचा 90 वो डी के पास होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एंड अगेन अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो डी वाला एंगल किसके बराबर हुआ? बी के, तो डी बराबर बी, सब 90 हो गए, हैंस प्रूफ। नहीं आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, अब इसको लिख करके दिखाना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ए को सी के बराबर क्या था, तो यहां पर लिखिए कि एंगल ए बराबर में एंगल सी अपोजिट, अरे नहीं साइड कहां से, अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर, तो रेक्टेंगल के भी अपोजिट एंगल बराबर। बच्चों एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90 डिग्री, तो देयरफॉर 90 बराबर में एंगल ए, और एंगल ए सी के बराबर है तो एंगल सी बराबर में भी आल्सो 90 डिग्री। समझ में आया तक का क्या हुआ? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, भौंकना नहीं है। अच्छा ए और डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुमको? ठीक है, कैसे एंगल है बच्चों ये? एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए और एंगल डी इसका सम 180 आएगा, इसे बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ तो क्लियर है कि नहीं है? एडजेसेंट एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो ए तो हमको पता है 90 है, और प्लस एंगल डी बराबर 180 है, 90 वहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी कितना आएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो एंगल डी भी 90 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एंगल बी 90 कैसे होगा। बी भी आराम से 90 प्रूव हो जाएगा। देखो ऐसे करके ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। हमको पता है क्या है? डी का अपोजिट एंगल कौन सा है? डी। यहाँ पर भी सेम यही वाला रीजन चेप दूंगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर डी बराबर में बी। हमको पता है डी के लिए 90 आ चुकी है, तो 90 बराबर में एंगल बी, ये भी 90 आ चुका है। अब फाइनली सबको कंक्लूड करते हुए ये बताइए कि देखो एंगल ए तो पहले से 90 था अकॉर्डिंग टू एन एक्सियम, एक एंगल तो 90 होता ही होता है, ठीक है ना? तो एंगल ए बराबर में 90, बी बराबर में 90, सी बराबर में 90, डी बराबर में 90। सिंस ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव। क्या तुम सबको समझ में आई बात यहां तक की? सिंपल प्रूव है, आराम से आ जाता है 2-3 नंबर के लिए। करिए, सबको क्लियर हुआ? पक्का? चल ए, सबको समझ में आ गया? अगली थ्योरम लिखिए रेक्टेंगल से एसोसिएटेड। बोलू लिखो लिखो बोलू बोले बोल मैंने हाँ बोला तो ये होती है आलसी की निशानी। हाँ अभी याद आ रहा है इसको, फिर बाद में देखो भैया आपने बोला था इतना करके आया। चलो लिखो अगला। अगली भी थ्योरम है वो भी रेक्टेंगल से ही एसोसिएटेड है। क्लियर है कि नहीं है? ये भी थ्योरम ही थी, थ्योरम ये थी क्या? रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। बच्चों ध्यान सुना, ऑक्सियम और थ्योरम दोनों अलग बातें होती है। ऑक्सियम ये है कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है और उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये क्या है उसकी ऑक्सियम। थ्योरम क्या है? रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखिए दूसरी थ्योरम। बोलू लिखो, डायगनल्स ऑफ, प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रूव दैट, अबे तुमने तो क्लास ली हुई है तो पूछेगा, पूछने का हिम्मत नहीं है। प्रूव दैट द डायगनल्स, प्रूव दैट द डायगनल्स
ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. प्रूव करिए कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. पैरेललोग्राम के डायगनल बराबर नहीं होते. लेकिन कभी अगर अगर भूल चूक से अगर पैरेललोग्राम के डायगनल अगर बराबर हो गए तो वो पैरेललोग्राम अपना नाम बदल के पता है क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल. समझ में आया कि नहीं आया? जब भी कभी एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगनल बराबर हो जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया, जब भी कभी एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगनल बराबर हो जाएंगे वो पैरेललोग्राम अपने आप को कैसे एड्रेस करेगा, आई एम नाउ अ रेक्टेंगल. यहां तक क्लियर है? और रेक्टेंगल का तो वैसे ही दोनों डायगनल बराबर होते हैं, ये हम प्रूव करेंगे. समझ में आया सबको यहां तक का? ठीक है. तो सबसे पहले गिवन क्या होगा पहले वो देख लो. सबसे पहले आपको गिवन दिया है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, और अगर आपको बोल दिया ना कि यार एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रीवियस थ्योरी सारी के सारी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी. प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. प्लस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अलाउ होती होती है. तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसका हर एंगल कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा. सबको समझ में आया था क्या हुआ? अब हमको प्रूफ करना है कि इसके डायगनल भी बराबर होंगे. डायगनल किसे कहते हैं बच्चों, जब आप दो, हाँ ये रहा, डी और बी को जोड़ दिया, ए और सी को जोड़ दिया, तो दो डायगनल आपको दिखाई दे गए, तो यही दो डायगनल आपस में बराबर होंगे, ये हमको प्रूफ करना है. बच्चों बोर्ड पे देखते रहिए, साथ साथ कॉपी मत करना. इधर देखो, गिवन 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 में सबसे पहली बात, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. क्लियर है तक का? बस इतनी सी बात गिवन. और ये रहा टू प्रूव. अरे बस सर, ए सुन तो, टू प्रूफ. टू प्रूफ में क्या लिखोगे, डायगनल ए सी बराबर में डायगनल बी डी. इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं ऐसा करके, डायगनल ए सी बराबर में डायगनल बी डी. सबको क्लियर है यहां तक का? चलिए ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन डायगनल खुद ही बना के दिया हुआ. अब हम यहाँ पे करेंगे सीधा इसको प्रूफ. देखिए इसका प्रूफ क्या होगा बच्चों, आपको ये दोनों डायगनल बराबर करना है ना, ए सी और बी डी बराबर करना है ना, तो ठीक है. एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल में होता क्या है कि आप दो तरह के ट्रायंगल को लेते हो, आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो, जिससे होता क्या है कि जैसे ही वो दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, बचे हुए ट्रायंगल के साइड्स और एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल. यहां पर अप्लाई करेंगे कैसे करके बच्चों, क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि इस डायगनल से एसोसिएटेड हो, उसका नाम, अच्छा देखो ऐसे तो आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार आप एक ऐसा ट्रायंगल देखिए जो कि AC और AB को मिलाकर के बन रहा हो. तो AC और AB को मिलाकर के जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, ABC. यहां पे क्लियर है? और मैं चाहता हूं कि आप एक और ट्रायंगल देखिए जो कि DB और AB को ही मिलाकर के बन रहा हो, कौन सा है वो, ADC. सही में है सबको? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करिए. मैं बताता हूं कैसे करके. सबसे पहला, क्या दोनों का AB साइड कॉमन है, तो AB AB कॉमन साइड. अच्छा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है, इसीलिए AD और BC बराबर होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. सबको क्लियर है? और तीसरा, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये कोना कितने डिग्री का है, 90. और इस ट्रायंगल का ये कोना कितने डिग्री का है, 90. तो दोनों ट्रायंगल का एक एक कोना 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन, और ये क्योंकि अपोजिट है इसलिए बराबर. तो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब भी बच्चों दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, दोनों ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर हो जाती हैं. देखो इन दोनों साइडों का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, उसमें भी इन्हीं दोनों साइडों का इस्तेमाल किया गया, तो बची हुई साइड कौन सी है, डीबी. इस ट्रायंगल की बची हुई साइड कौन सी है, एसी. तो डीबी बराबर में एसी. दोनों ट्रायंगल के दोनों साइड बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड हो गया. सही में आया कि नहीं आया? बहुत छोटे छोटे प्रूफ है भाई इसके. रेक्टेंगल तो बहुत आसान है. देखिए तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. दोनों ट्रायंगल का ए बी कॉमन था, तो ए बी बराबर में ए बी क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन साइड. क्लियर है तक का? दूसरा बच्चों, ये जो डी बी डी ए है वो डी बी डी ए सॉरी बी सी के बराबर आ रहा है, तो ठीक है. तो AD बराबर में BD, पता है क्यों, अपोजिट
साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, वो भी तो इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या 90 डिग्री, इसका एंगल ए और इसका एंगल बी 90 डिग्री ईच, सबको क्लियर हुआ यहां तक का, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बची हुई साइड बराबर हो जाएगी, बची हुई साइड कौन सी है, ए सी और बी डी, तो इस ट्रायंगल का बी डी इस ट्रायंगल के, अरे कुछ गलत कर दिया, ट्रायंगल गलत दिख दिया ना मैंने, इस ट्रायंगल का नाम क्या था ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम क्या था ए बी डी, तो नाम ए बी सी और ए डी बी ए बी सी, यहाँ लिख, अरे वहां तो नाम लिख दो, यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, यहाँ लिखना जरूरी होता है, हाँ लिख दो कुछ भी, अबे मतलब अबे वहां पे ट्रायंगल का नाम मेंशन करना जरूरी होता है, यहाँ पे ठीक से लिखना होता है। अबे जैसे होता नहीं है कि मतलब घर पे बुलाते हैं मन्नो चिन्नो पुन्नो टन्नो, बाहर जाके क्या बुलाते हैं, बाहर जाते मिशु चिंटो नहीं बुलाते ना ऐसे, बाहर के तो अपना प्रॉपर नाम लेना होता है, आयुष पवार, ठीक है ना, आया नहीं आज, ठीक है, अरे मतलब ऐसे विक्के मल्होत्रा, ऐसे मतलब विक्के बुलाते विक्के तमता, मतलब समझ गया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। यहाँ पर तो जो मर्जी नाम बोल दो लेकिन हाँ उसे ट्रायंगल से एसोसिएटेड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान देने का है, क्लियर है कि नहीं है, तो ठीक है D बराबर में C और B बराबर में A, क्लियर है यहाँ तक का, तो ठीक है BD बराबर में क्या हो गया भैया तुम्हारा AC, क्लियर है यहाँ तक का, दोनों साइड बराबर हो गई। अच्छा क्यों बराबर हुई दोनों साइड, तो हैंड्स ग्रो, क्लियर हुआ यहाँ तक का, ठीक है करो। चलो बच्चों ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ, तो तुमको अभी तक दो चीजें पता लगी क्या, कि यार एक रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 कैसे बराबर करते हैं और रेक्टेंगल के दोनों ट्रायंगल को इक्वल कैसे किया जाता है, सबको यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब नोट बना करके लिखिए बच्चों, नोट्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हाँ एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऑक्सियम होती है यार वो, नोट बना करके लिखिए, उसमें टॉपिक डाल देना नोट्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल, इसके बाद लिखो क्वेश्चन के बाद, नोट्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल, नोट्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल बोलूं, लिखिए पहला रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल पहला पॉइंट लिखिए, अ रेक्टेंगल फॉलोज, a rectangle follows all properties of a parallelogram, a rectangle follows all properties of a parallelogram, ek rectangle ek parallelogram ki sari property ko follow karta hai, samajh mein aa gaya, theek hai dusra point likhiye, dusra point likhiye, acha jo is class ka sabse pehla question tha na wahi hai, each angle of a rectangle, each angle of a rectangle is, each angle of a rectangle is at 90 degree, each angle of a rectangle is at 90 degree, 90 degree के बगल में छोटा सा ब्रैकेट बना करके राइट एंगल भी लिख सकते हो, राइट एंगल का मतलब 90 degree ही होता है, ठीक है ना। अगला लिखिए, अगला लिखिए तीसरा पॉइंट, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सबने लिख दिया, ठीक है, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल्स के डायगनल आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अब समझिए ध्यान से, अब अगर आपके सामने अगर कोई एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि पैरलोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, अगर कोई पूछता है फिर, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है,
अब तुम्हारे पास बोलने के लिए दो पॉइंट है। सबसे पहला कि देखो यार, ये तो हर कोई बोलता है कि यार एक रेक्टेंगल का एक कोना 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता। लेकिन अब आपके पास दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं। सबको क्लियर हुआ? अब लिखिए स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इसको मिटा दो पूरा, पक्का? ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? जैसे रेक्टेंगल सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है एक पैरेललोग्राम के, जैसे रेक्टेंगल सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है एक पैरेललोग्राम के, उसी तरह से एक स्क्वायर सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है एक रेक्टेंगल के। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया था, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। क्या? अरे सभी बोल तो रहा हूँ, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है ना, वो सारी की सारी एक रेक्टेंगल फॉलो करता है। तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आ गया समझ में? और कोई सवाल? ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। बोलूं? ठीक है, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ अ प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सबने लिख दिया? रेक्टेंगल ओ स्क्वायर के डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? नहीं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहां पे क्लियर है? इसी क्वेश्चन को और करके लिखिए, और करके ओ आर करके इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलरली देखो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, परपेंडिकुलरली इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है ली, परपेंडिकुलरली। Perpendicularly bisect each other. Diagonals of a square perpendicularly bisect each other. Perpendicularly bisect each other का मतलब समझते हो? क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों इसको समझिए, इसको समझिए, समझो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब होता है कि यार वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करे। यहाँ पे क्लियर है? एक दूसरे को वो बाइसेक्ट भी करे, और जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। इसे हम 90 डिग्री की वजह से हम कहते हैं परपेंडिकुलरली, और क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए हम कहते हैं इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक स्क्वायर के डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगनल ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई पूछे कि यार ये बता एक बेसिक सा डिफरेंस जो कि एक स्क्वायर में तो होता है जो कि रेक्टेंगल में नहीं होता, तो तुम्हारे पास बोलने के लिए दो चीजें होंगी। सबसे पहली, एक स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की बराबर नहीं होती, लेकिन ये तो सबको पता है। और एक और खास बात जो अब तुम ही को पता होगी वो है ये कि एक स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेंगे। और जब ऐसा वो कर रहे होंगे तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। ऐसा रेक्टेंगल के डायगनल एक दूसरे को नहीं कर सकते, वो बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर वे में नहीं करते। समझ में आया तक का? अब ये कैसे अचीव करोगे? देखो बहुत सिंपल आने वाला, ठीक है ना? सबसे पहले तो यार एक स्क्वायर बना लो, सबको दिखाई दे रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा एक स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझिए। अरे इधर देखो, छोड़ो, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो बच्चों ये हैं इसके दो डायगनल्स। क्या सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, दोनों देखिए। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखा हुआ है? गिवन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो ए बी सी डी है ना, वो एक स्क्वायर है। क्लियर है यहां तक का?
स्क्वायर है तो आपके सामने काफी सारी उपलब्धि है, स्क्वायर है तो इसकी सारे साइडें बराबर होंगी ही होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, ये होता है उसका ऑक्सियम। अच्छा, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखोगे? टू प्रूफ में आप लोग लिखिए ये कि इसके डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। डायगनल ए सी एंड बी डी परपेंडिकुलरली, समझ में आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर और ये ली, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। सबको क्लियर हो यहां तक का? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे प्रूफ करेंगे तो ध्यान से देखो, पहले काम करते हैं इसको बाइसेक्ट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना? बाइसेक्ट कर सकते हैं देखो ऐसे करके कि यार आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट कर सकते हो। हाँ। पक्का? कैसे करके? ठीक है, देखिए आप लोग बोल सकते हो, देखो काफी सारी चीजें बोली जा सकती है कि यार ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं। कैसे करके? कि यार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये दोनों साइडें पैरेलल है तो यार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, जेड बन रहा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको क्लियर है? और क्योंकि यार पैरेलोग्राम की ही जाती है ये वाली, तो अपोजिट साइड बराबर होगी इसकी, तो डीसी बराबर में ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही सारी साइडें जो है बराबर बराबर बढ़ जाएंगी, तो ये मान लो ओ, तो आपका ओडी किसके बराबर हो गया? ओ बी के। और ए ओ किसके बराबर हो गया? ओ सी के। बाइसेक्ट हो गया। अब परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करना है वो ध्यान समझिएगा। परपेंडिकुलर प्रूफ होगा बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। ध्यान सुनो कौन से ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाइए, ये अपने आप ही माना जाएगा परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड। ट्रायंगल का नाम है डी ओ सी एंड सी ओ बी। डी ओ सी और सी ओ बी, इन दोनों को आपको